इस चुनावी यात्रा की अगर हम विधानसभा की बात करें, यहाँ पे सातवें चरण में जिस तरह से मतदान होना और उससे पहले जिस तरह से चुनाव का जो अगर हम सरगर्मी देखें वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। वहीं हमारे साथ पूर्व प्रधान भी इस समय मौजूद हैं। किस तरह आप देख रहे हैं इस बार इस चुनाव को और क्या लगता है किसकी लहर है और किस तरह इस लहर में किसकी जीत पक्की समझ रहे हैं आप? पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चुनाव में बसपा के प्रत्याशी श्री आनंद दुबे जी का लहर है। जब हर जात मजहज के लोग अगर साथ में होते हैं वही विधायक होता है। हमारे साथ सभी जातियां हैं और मायावती जी को पसंद कर रहे हैं, उनके कानून व्यवस्था को सब पसंद कर रहे हैं, बहू बेटियां भी क्षेत्र के कानून व्यवस्था मायावती को अच्छा मान रहे हैं। 5 साल के सरकार में यहां के लोगों ने अपना लोकल प्रत्याशी श्री आनंद दुबे जी को अपना भाई अपना बेटा के रूप में चुनने का मन बना लिए हैं। हर धर्म के जात के लोग, किसान, नौजवान, छात्र और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, ये टेम्पूधाई है आनंद जी के और सबको सच का पता है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रहे हो? सच्चाई ये कर रहा हूँ कि जब मेरे कस्बे से लगाए, नगर पंचायत मड़ियाहू से लगाए 370 विधानसभा में, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं इनके साथ लगा हूँ 20 दिन से। जिस धर्म मजहज के पास गया, लोगों ने कहा आनंद दुबे जी यहाँ के विधायक होंगे, गरीब को न्याय देंगे। इनका 5 साल से पहले से बस चलती है क्षेत्र के जनता के लिए निशुल्क, लोग महिला पुरुष जाते हैं विंध्याचल दर्शन करते हैं। और यहाँ मड़ियाहू के लोगों का 2-3 मुद्दाएँ हैं, मांग है। जैसे मड़ियाहू में आज तक कोई विधायक संसद ब्रिज पुल नहीं बनवाया, जिसे कोई हॉस्पिटल अगर जाता है और ट्रेन आ रही है तो आदमी मर सकता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का ध्यान देना। छोटी छोटी सी घटनाएं बड़ी होती हैं। वैसे मड़ियाहू में हॉस्पिटल है जहाँ की महिला डॉक्टर आज तक नहीं है। अब महिलाओं का क्या पीड़ा है वो महिला स्वतः। यहाँ की विधानसभा की अगर बात करें, यहाँ की हर प्रॉब्लम को, हर पीड़ा को क्या लगता है आनंद दुबे जी समझ पा रहे हैं? आनंद दुबे सोशल इंजीनियरिंग, और सोशल इंजीनियरिंग होने के नाते आनंद दुबे जी सब समझ चुके हैं। नौजवानों ने कहा है कि विधायक होने के बाद मुझे विकास चाहिए, और मेरे यहाँ 3 विधायक और 2 विधायक नहीं रहेंगे, मेरे यहाँ आनंद दुबे विधायक रहेंगे। उसी ऑफिस से हर काम पूरे क्षेत्र का होगा, सभी जात का, धर्म का। यहाँ जातिवाद भी देखी जा रही है, जिस तरह से त्रिकोणी लड़ाई चले लेकिन जातिवाद का फैक्टर भी देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है किस तरह से पूरा फैक्टर जो है वो आनंद दुबे की तरफ रुख करेंगे? ब्राह्मण समाज के लोग 90 से 95% आनंद दुबे को पसंद किए, SC समाज के लोग 50,000 हैं आनंद दुबे के साथ हैं, और मुसलमान भाई आनंद दुबे के साथ, चौहान भी, मौर्या भी, पटेल भी। और मुझे सबसे ज्यादा सहयोग अगर इस विधानसभा में मिला, मैं भूल नहीं सकता इस संकट के घड़ी में, तो यादव समाज ने मुझे 50% अपना मत दे के विजय श्री कर रहे हैं। और क्षत्रिय भाइयों के नौजवान भी ललकार के 10 गाड़ी लेके क्षेत्र में आनंद दुबे जी को विधायक हो चुके हैं। सिर्फ 7 तारीख को वोट पड़ना है, 1 लाख मतों से हम जिता के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लखनऊ भेजने का काम करेगी जनता 370 के, और मुझे विश्वास है ये विधायक हो गए हैं। धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।